न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7:30-7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, कोई नहीं, वो तो पहले भी वहाँ पर किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है ना, मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे किसी को भी, कोई नहीं। वो सुबह एक बार बैठ के बात करें तो उसके बाद बताएंगे। तो अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से मिलके बैठ के बात करें, उसके बाद करेंगे। आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, ब्रजभूषण भी वहाँ पर पहुँचे थे, कैसे देखते हैं, क्या देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। सोर्सेज बता दी, दिल्ली पुलिस ने जनता मंत्र को धरना चाहता ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देखिए हमारे ऊपर तो कर ही देती है, ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए।